हेलो। हाँ जी अरुणोदय, पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है शैलेंद्र कालरा। हम जी शैलेंद्र शैलेंद्र कालरा। शैलेंद्र कालरा। ओके यस ठीक है राइट। शैलेंद्र 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 ओके ओके। नाउ अब हमारा जो है ये MBM न्यूज नेटवर्क है, डिजिटल मीडिया है। जी तो जी अरुणोदय हम अब स्टार्ट करते हैं आपसे क्वेश्चनिंग, जो हमारे पास आपके लिए क्वेश्चंस है राइट। जी तो आपने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया था कि भाई आपको लगता है कि पता है आइडिया है कि आपके इंडिया नहीं और दूसरी कंट्रीज में भी आपकी जो क्यूटनेस है उसकी वजह से आपके करोड़ों फैंस हैं, इन मिलियंस फैंस हैं। क्या आपको इस चीज का आइडिया जी हुआ है अभी? मैं भी बहुत खुश था जब मुझे यही पता चला था कि मेरे कुछ इंटरव्यूज पर ही जो है मिलियंस में व्यूज आने लग गए हैं। और मेरे मामा पापा ने भी मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो है इतना व्यूज हो गए हैं, अभी तक इतना प्यार मिल रहा है और मुझे, और मैं उन सबको थैंक यू भी कहना चाहूंगा जो मुझे इतना प्यार दे रही है जनता। मैं उस जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा। गुड ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राइट। जी 1 दिसंबर से, मतलब अभी फर्स्ट से, कमिंग फर्स्ट से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं जो मेरे को पता चला है, जी तो उसकी तैयारी जी कैसी है आपकी? मेरी तैयारी जो है आम बच्चों की तरह ही है। मतलब जैसे सब बच्चे अपने जो है जो लेसन होते हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, और बस हम भी वैसा ही कर रहा हूँ मैं भी, कि अपने लेसन को रिवाइज कर रहा हूँ और जो बुक में है कॉपी में है सभी याद कर रहा हूँ, और फिर एग्जाम की बस ऐसी ही तैयारी चल रही है। तो आपको, जब आपके पास इतने लोग आपको इंटरव्यू करने आ रहे हैं या और आपको जी कॉल्स आ रही हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई पे नहीं इफेक्ट हो रहा है कुछ? ये तो है कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो होता है ना ये कि जो है कंटिन्यूअसली मीडिया में आप लगे हुए और आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे हो कि हाँ आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है उसमें अगर आप अपने मन से एक बार पढ़ लो अच्छे से तो भी आप टॉप कर सकते हो। अच्छा टॉप कर सकते हैं। ओके जी ओके। हिमाचल के आप रॉक स्टार बन गए। आप हिमाचल में, आज सारा हिमाचल आपको बहुत हाँ प्यार कर रहा है, तो जी कैसा लगता है आपको? मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं हमेशा से ही चाहता था कि, और हमेशा चाहूंगा कि जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट जो है हिमाचल बन जाए। और कई मतलब एक साल में इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है हिमाचल घूमने के लिए आए, मेरे बचपन से सपना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं उतने ही हिमाचल में भी आए हर साल। वाह ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त आप सोचते हैं, और ऐसा तो आपकी उम्र के बच्चे सोच ही नहीं पा सकते हैं। अच्छा अरुणोदय एक चीज, जी आपने एक KBC में एक चीज कही और उस पे सारी दुनिया ने देखा और बहुत पसंद किया गया, कि आपने कहा कि मेरे सपने हमेशा बदलते हैं। कभी आप IAS बनना चाहते हो, कभी आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कभी आप कुछ बनना चाहते हो। आपने एक चीज कही कि आप राजनीतिज्ञ भी नहीं बनना चाहते और डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते, ऐसा क्यों? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत उनमें जो है टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जो है वो आपको अपनी फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है इन दोनों जॉब्स में। मतलब जैसे डॉक्टर है तो आजकल का पता ही आपको, आजकल के समय में डॉक्टर्स को अपने परिवार वालों से कितना दूर रहना पड़ता है। और बस मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी जॉब करूँ जिसमें मैं अपने मदर फादर के पास हूँ और उनसे मैं बार बार मिलता रहूँ। और लेकिन जो पॉलिटिक्स होता है उसमें ये मुझे वो रहता है कि आप जहाँ भी चलते हो जो भी मीटिंग अटेंड करते हो मीडिया आपके आगे पीछे घूमती रहती है हमेशा,
है ना, और आपको जो है फिर एक सेपरेट घर में रहना पड़ता है ना। अगर ऐसा हो ना कि आप अपने ही फैमिली के साथ जो है अपने पुराने घर में रह सकते हो, ऐसा तो नहीं होता। उसमें तो जो है वो दूसरा घर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है आप उसमें तो उस केस में भी अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो। और मुझे ये बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये दोनों में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, दिस इज द रीजन कि आप राजनीतिज्ञ भी नहीं बनना चाहते और डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते हो। जी, बट आपने एक चीज कही थी कि सिंगर आप बन सकते हो, तो सिंगर में भी तो ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाए और फैमिली से दूर रहना पड़े, आपको कहीं जाना पड़े बाहर, बहुत सारी एंगेजमेंट हो जाए आपकी। ये तो है ना ऐसे कि ये सब हो गया, लेकिन जो है सिंगर बनने का ये फायदा है कि वो मेरा टैलेंट है, मैं वो बन सकता हूँ अच्छे से। और जो है साथ ही साथ आपने जैसा कि कहा कि आप उस समय मैं इसमें भी अपनी फैमिली से दूर हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा मतलब थोड़े बहुत कई चीजों के लिए, मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए ही हमें बाहर जाना पड़ेगा। और इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि जी मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा, मैं हिमाचल भी रह सकता हूँ। इसमें कुछ अगर कुछ ऐसा है फंक्शन की कुछ जरूरी काम है, तो मैं जो है इन दोनों डॉक्टर और उसकी पोस्ट में भी कर सकता हूँ, पॉलिटिशियन की पोस्ट में भी, कि साल में जो है या फिर महीने में एक दो बार अगर कहीं जाना है अपनी फैमिली से दूर, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको एक दो सालों के लिए जो है किसी और घर में भेज दिया जाता है, तो फिर क्या मजा ना। तो फिर तब मैं कहता हूँ किसी मतलब सिंगर बनना है, ठीक है। अच्छा अरुणोदय, एक चीज और है, एक आपसे वहां पे केबीसी में भी शायद अमिताभ बच्चन जी बात कर रहे थे आपसे इस बारे में, जी कि हर कोई यही समझ रहा है कि आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल हो और एक इतनी छोटी उम्र में, जो अमूमन जो जनरली जो है बच्चे इस तरह से थॉट, हालांकि जो आपने एक बात कही है ना कि आपके सपने बदलते हैं, ये सपने बदलने वाली बात तो हर एक बच्चे के साथ, शायद आपकी उम्र के बच्चे के साथ होती है ना, बट जी आपने उसको इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि पूरी इंडिया जो है दंग हो गया है ना। तो वहां पे हर कोई ये समझता है कि भाई आप बहुत, आपके अंदर जो है कोई अलग एक स्पिरिचुअलिटी या कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ चल रही है, कि आपको क्या लगता है कि कहाँ से आपके पास इतनी नॉलेज आ गई? क्या कोई वाकई में ऐसा है कि कोई बुद्धिजीवी जो है, आपकी सोल जो है आपके अंदर है? एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपके इस प्रश्न का ये उत्तर देना चाहूंगा कि सबके अंदर जो है पैदाइशी से एक अलग गुण होता है ना, एक जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं वो होता है ना। कुछ लोगों का वो सिक्स्थ सेंस टैलेंट होता है, और कुछ लोगों का वो जो है शार्पनेस होती है। और बस वही कि मेरे जो सिक्स स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो है मैं थोड़ा एडल्ट्स वाली बातें करता हूँ, थोड़े बुजुर्गों वाली बातें करता हूँ, बस मेरे अंदर ये सिक्स स्ट्रेंथ है। और मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ये सब चीजें सोचता हूँ, ऐसे थॉट्स रखता हूँ, बूढ़े बूढ़े लोगों वाली थॉट्स रखता हूँ, तो बस ये मेरी सिक्स स्ट्रेंथ है। अच्छा, अगर आपको अरुणोदय जी किसी फिल्म का ऑफर मिल जाए तो जी आपको, आप किस तरह के जो है करेक्टर करना चाहेंगे? मैं इस तरीके का कैरेक्टर अपनी फिल्म में करना चाहूंगा अगर मुझे कभी मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो। जैसे अगर कोई पुराने हिस्टोरिक जो है कोई वो हो, जैसे अहिल्या बाई है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, और रानी झांसी बाई है, ऐसे ऐसे अगर मुझे ऑफर मिलते हैं इनमें कुछ, तो तब तो मुझे ऐसा है कि हाँ ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इनसे कुछ पता चलता है कि ये लड़ाई कब हुई थी है ना, उस जमाने में ये रीत कैसे बदली थी, ये सब चीजें पता चलती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही बिना मतलब की कोई फिल्म, तब मैं उसको नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव फिल्म्स को जो है एक्सेप्ट करना चाहूंगा। ओके, जी ग्रेट। अच्छा, एक आपने बड़ा क्यूटनेस से केबीसी में एक चीज एक्सप्लेन करी, वो थी कि जी भाई अरुणोदय का मतलब जो है सूर्योदय से पहले वाली लालिमा होती जी जी है ना। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन भी किया, और अमिताभ बच्चन जी भी काफी दंग थे आपके इस बात से जब आप दे रहे थे, जब बात कर रहे। हाँ। तो आपको सबसे पहले ये पता कब चला था अपने नाम का, क्यों मीनिंग क्या क्या है मेरे नाम का, मीनिंग किसने बताया था आपको ये?
एक्चुअली ऐसा था कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तभी लोगों को मेरे इतने डिफिकल्ट नाम का मतलब समझ ही नहीं आता था कि अरुणोदय का आखिर मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद जो एक दिन मैंने भी पूछा क्या होता है मतलब, फिर मम्मा पापा ने मुझे इसका मतलब बताया। फिर उसके बाद जो भी मुझसे पूछता है उसको मैं बोल देता हूँ कि ये है मेरे नाम का मतलब और ये होता है मेरे नाम का मतलब। और उसके बाद जो है मुझे भी इसका मतलब पता चल गया। मतलब जब मैं कुछ 2-3 साल का था तब मेरे मम्मा पापा ने मुझे मेरे नाम का मतलब बताया था। अच्छा, जब आप 2 और 3 इयर्स के थे तब, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ओके। वैसे तो चलो, हम अरुणोदय, आपका जो काफी हद तक मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका जो भाई है, आपका भाई जी आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा, है ना? जहां तक जी लग, जी ये तो जी इसका सवाल का तो जवाब आपका नेचुरली ये होगा कि मेरा भाई सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे को लगता है, बाकी तो आप बताएंगे। अगर पर स्कूल में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिसके साथ आप जाके शेयर करते हो अपनी बात को, या उसके साथ आप मस्ती करना चाहोगे, कौन है आपका फ्रेंड? एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा जो बेस्ट फ्रेंड है वो दिवांश है। और दिवांश मेरे जैसा ही है, मतलब सीधा साधा सा और जो है मस्ती मस्ती करने ना वाला, और जो है जो बहुत ज्यादा ऐसे सिंसियर हो फ्यूचर के बारे में और जो है सेंसिटिव हो। उसका नाम दिवांश है और जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जैसा कि मैंने बताया। तो सिर्फ आजकल के टाइम में सिर्फ उसके साथ ही हमारा कांटेक्ट होता है ना। जितना आप सोचिए कि मैं और ज्यादा ज्यादा बता भी किसको सकता हूँ बातें। तो मेरा बस दिवांश के साथ कांटेक्ट होता है और बस वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है अच्छा अरुणोदय, जैसे बाकी जी। बच्चे करते हैं आपकी उम्र में, है जी ना, जी जी और उनकी एक स्टाइल होता है कि स्कूल से बंक कर लेते हैं। स्कूल से बंक जी करने के लिए बच्चे कई बार अपने मम्मी पापा को बोलते हैं, बहाने बनाते हैं कि मम्मा मेरे जी आज पेट में दर्द है, मम्मा आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मम्मा मैं ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे बहाने आप भी बना लेते हो कभी मम्मी पापा से, क्या स्कूल नहीं जाना, बंक करना है, तो कुछ बहाना बना लिया? नेवर नेवर नेवर। अच्छा, मतलब मुझे जो है बाकी बच्चों की तरह नहीं है कि मम्मा स्कूल नहीं जाना, मम्मा स्कूल नहीं जाना। मैं तो जब बीमार होता हूँ और मम्मा पापा खुद बोलते हैं कि बेटा स्कूल मत जाओ, अब मैं कहता हूँ कि नहीं मम्मा मुझे जाना है, और जो है बस बोल देता हूँ मम्मा दवाई दे देना, मैं मैम को बोल दूंगा एक खाने के बाद एक देनी है और एक खाने के पहले देनी है, और ये इसके साथ पानी पीना है, ये सब मैं मैम को खुद बता दूंगा। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे जो है 4 साल से लगातार जो है मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है एब्सेंट ना होने के लिए। ओके, 4 इयर्स से, जी अच्छा, एबसेंट ना होने का फर्स्ट प्राइज मिल रहा है आपको, जी अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आप अरुणोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केबीसी जी में जो पैसे आपको मिल रहे हैं, धनराशि आपको मिलने जा रही है, जिसका पता हमको शायद कल चलेगा, कल शो देखने के बाद, हाँ कैसे हाँ खर्च कर जी रहे हो आप उसको? अभी तो अभी हमने ये तो नहीं सोचा है कि हम उस धनराशि का क्या करेंगे, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है वो मुझे 18 साल पर मिलेगी धनराशि, यानी कि आज से 9 साल के बाद। तो 9 साल के बाद अगर इस विश्व में ये कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसी वैक्सीन या फिर कोई ऐसी दवाई बनती है कि जिससे जो है अभ्युदय जैसे बच्चों का इलाज हो सकता है, वो ठीक हो सकती है, और ये लाइलाज बीमारी भी इलाज वाली बीमारी बन जा सकती है, तो मैं जो है वो अफोर्ड करना चाहूंगा वो दवाई। और मैं अपने अभ्युदय को एक दिन इस मुकाम पर देखना चाहूंगा कि जो है वो एक दिन मुझसे बात कर सके खुलकर जो है, और एक दिन वो चल सके मेरे साथ और हम दोनों खूब गपशप करें, और मैं उसकी गोदी में एक दिन बैठ पाऊंगा और वो मेरी केयर समझ कर कर सके, जैसे एक आम भाई करता है अपने छोटे भाई की केयर, उसके साथ भागता दौड़ता खेलता कूदता है। बस मैं चाहता हूँ एक दिन मेरा अभ्युदय जो है वो भी इस काबिल हो सके कि वो मेरे साथ ऐसा खेल सके। ओके, हम विश करेंगे आपके लिए कि ऐसा हो, है ना, धन्यवाद जी। है ना। अच्छा, आप जब केबीसी में मुंबई गए, है ना, जी आपने कुछ टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ आपने जी जी शो के अलावा भी कुछ किया होगा, तो शॉपिंग वगैरह भी की थी कुछ?
नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सदी के महानायक से हम मिलने जा रहे हैं, तो उनकी जो है प्रिकॉशन का जो है पूरा ख्याल रखा जाता है, और हमको जो है क्वारंटीन रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, और वहाँ बहुत अच्छा होता है कि जो है पूरा आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं अलग अलग टाइम, मतलब 5 टाइम आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं उस पूरे सेशन के अंदर, और बहुत अच्छे से जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पालन किया जाता है, मास्क पहन कर रखे जाते हैं, मतलब जैसा कि आप देखते हैं उसमें मास्क नहीं पहनते, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑफ कैमरा हम सब मास्क पहन रहे होते हैं, और जैसे ही फास्टर सिंगर का टाइम आता है सबको मास्क खोल देते हैं सब, और फिर तब खेलते हैं गेम। ओके ओके। अच्छा अब अरुणोदय एक और चीज, मम्मी पापा आपको ये तो नहीं कहते कि आप बोलते बहुत हो, बहुत बातूनी हो, है ना ऐसे बोलते थे मम्मी पापा आपको? अब आपको पता है कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि क्योंकि मम्मा पापा भी ऑफिस में होते हैं, और घर आकर जो है मेरे 1000 क्वेश्चंस, और जो है मेरी लाखों बातें, और मैं बहुत जोर जोर से बोलता हूँ, और जो है मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, मैं बहुत बातूनी हूँ, इसकी वजह से मम्मा पापा को भी ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो, हमें भी थोड़े चैन से रहने दो, हमें भी थोड़ा रेस्ट करने दो, तो उसके बाद जो है ऐसा होता है, मुझे डांटते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेरा बहुत सपोर्ट भी करते हैं। ओके। और जो कल का एपिसोड है उसका, जो कल आपका 29th को होना है टेलीकास्ट होना, उसका जी कितना इंतजार है आपको, क्या खास आप सोचते हैं उसके बारे में? अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप जो है टीवी पर आने वाले हैं, मतलब अगर आप एक आम इंसान है और मैं आपको बोलता हूँ कि आप टीवी पर आने वाले हैं एक महानायक के साथ, एक सदी के महानायक के साथ, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप देखेंगे कि बेसब्री से इंतजार करेंगे कि मैं उनके साथ कैसा लग रहा हूँ, और आप खुद को टीवी पर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वैसे ही मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि कब कल का दिन आएगा, और कब केबीसी शुरू होगा, और हम जो है टीवी पर मुझे देखेंगे, और जो है और हमें बधाइयों के कॉल आएंगे उस दिन। अच्छा ये बताओ, क्योंकि आपके भी आप भी बहुत अभी टायर्ड भी होंगे, थके हुए भी हैं, आप मेरे को ये बताओ, दो तीन चीजें मैंने आपसे और बात करनी है जी कि जी आपको क्या लगता है, एक मम्मी पापा, अब सारे जो सोशल मीडिया में या कमेंट्स हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके मम्मी पापा बहुत ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं जिनको आप जैसा एक प्रतिभाशाली बेटा मिला, तो आपको क्या हाँ लगता है ऐसा क्यों हुआ? हाँ क्योंकि देखो पेरेंट्स एक्चुअली तो बहुत सारे होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, सब पेरेंट्स होते हैं और भी होते हैं, तो ऐसा मम्मी पापा क्यों गॉड ने उनको इतने ब्लेस्ड पेरेंट्स बनाया कि आप जैसा बेटा उनको मिला? एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊं तो फिर ना मैं ये सोचता हूँ कि जो है हम बहुत कम बच्चे ब्लेस्ड होते हैं, मैं सोचता हूँ सारे बच्चे ब्लेस्ड होते हैं, बस ये मैटर करता है कि पेरेंट्स उनको क्या बताते हैं, वो क्या सीखते हैं, और जो है वो क्या समझते हैं, है ना? अगर आप पेरेंट्स उसे सिखा रही है सही और वो सीखने लगता है गलत, तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर पेरेंट्स उसे सही सिखा रहे हैं और वो सीख भी सही रहा है, तब हम उसे एक ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब ब्लेस्ड चाइल्ड है, अगर जो है वो सब जो है वो सीखे जो उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं उनको, हमें जो सही सही सिखा रहे हैं पेरेंट्स वो सीखे, तो सब ब्लेस्ड हो जाएंगे, ओके। अच्छा और अरुणोदय, प्रॉपर पेरेंट्स और प्रॉपर जो है पेरेंटिंग स्टाइल भी जरूरी होता है, कि जो है कि जहाँ जरूरत होती है वहाँ जो है बच्चों को खुद डिसीजन लेने दीजिए, और जहाँ जो है जरूरत नहीं होती है वहाँ आप खुद डिसीजन लीजिए, है ना? और जहाँ जरूरत है वहाँ बच्चों को डांटिए मारिए, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए वहाँ सपोर्ट कीजिए, और जो है उनका जो पैशन है उसे हमेशा निखरने दीजिए, है ना जी? क्योंकि
जैसे मैं केबीसी में सिलेक्ट हुआ तो मेरे मम्मा पापा ये भी तो सोच सकते थे कि बस ये ऐसा ही होगा और क्या पता है ये वहां तक ना पहुंच पाए उस तक। और तो जो है एयरप्लेन के टिकट के पीछे क्यों पैसे खराब करने, नहीं उन्होंने सोचा एक बार जाकर देखते हैं क्या खराबी है इसमें। और आज जो है मम्मा की जाकर देखते हैं क्या खराबी है उसमें, इन मम्मा पापा के इन चीजों की इस चीज की वजह से ही, इस सोच की वजह से ही आज मैं हॉर्सी तक पहुंच पाया। हॉट सीट तक तो पहुंच पाए और भी बच्चे पहुंचे, पर आप जो एक पूरे देश में जो आप सबके लाडले बन गए, आंखों के तारे बन गए, वो भी तो है ना एक सबसे बड़ी बात, जो एक आपको ब्लेसिंग प्यार और इतना लोग आपको दूर दूर से, है ना, इंडिया के कोई कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां से आपको हमारे हमारे पेज पे या हमारे वीडियोस पे आपको कमेंट नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अब अच्छा एक और चीज, आपकी एज के जो बच्चे हैं वो बड़े मोबाइल पे बिजी रहने लग गए हैं, और बच्चे बड़े मोबाइल वो ज्यादा हो गया, उन्होंने जो बाकी चीजें हैं अपनी जो गेम्स थे या फिटनेस वाले गेम्स या चीजें थी वो सब छोड़ दी हैं, तो क्या आपको भी कभी कभी मोबाइल पे मस्ती करना या मोबाइल देखना पसंद है? अब आप जानते हैं कि 21वीं सदी है और आजकल के बच्चों को ये आदत है, तो लेकिन मुझे भी है ये शौक, लेकिन मैं कम करता हूँ ये सब। मतलब अगर आप एक आम बच्चे का मोबाइल देखेंगे तो आपको जो है उसमें जो है 5 से 10 गेम तक देख सकते हैं आप नॉर्मली। लेकिन मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे पास बस एक गेम है और 4 स्टडी ऐप्स है। अच्छा एक गेम है। और मैं वो गेम पसंद करता हूँ लोड करने जो कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो। जैसे मैंने जो है एक 16 सिस्टम गेम लोड करी रखी है जिसमें मुझे ये पता चलता है कि इस स्टार की मूवमेंट कहाँ हो रही है, अभी प्लूटो कहाँ पहुंचा है, अभी जो है हमारा ऑर्बिट कैसा है दिखने में, और हमारी अभी अर्थ कहाँ पर है, अर्थ को जो है पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, और वो हमारी गैलेक्सी कैसी है, उसमें हमारा नियरेस्ट स्टार कैसा है। मतलब स्पेस की इंफॉर्मेशन वाला एक ऐप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं रात में उसका यूज करता हूँ देखने के लिए कि नॉर्थ में कौन सा ग्रह है, ईस्ट में कौन सा ग्रह है, साउथ में, वेस्ट में कौन कौन से ग्रह तारे हैं, ये सब देखने के लिए मैं ऐसे ऐप यूज करता हूँ। तो आपके साथ के जो बच्चे इस तरह से मोबाइल यूज करते हैं और उनको काफी समय बर्बाद करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उन्हें ये मैसेज दूंगा कि हम ये कभी नहीं कहते कि आप मोबाइल ना यूज करें, आप मोबाइल पर ना खेलें, हम ऐसा नहीं कभी कहते हैं, क्योंकि जो है ये कि नई इंडिया की शुरुआत है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत है। तो लेकिन ये जरूर है कि जो आप आज एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे उसमें वेस्ट करते हैं, उसमें ऐसे अगर आप आधा टाइम, सिर्फ आधा टाइम या फिर आधा ही घंटा, आपके पूरे 4 घंटों में से अगर आप आधा घंटा ही जो है कुछ स्टडी, मतलब जैसे एक ऐसी गेम जिस जो इन्फॉर्मेटिव हो, जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल रही है, नहीं अगर आप वो थोड़े देर के लिए खेले, आधे घंटे के लिए ही, तो आपको बहुत शिक्षा मिलेगी खेल में, और मजे और शिक्षा दोनों आपको साथ मिलेगा। और जो है ऐसा भी नहीं आपको लगेगा कि जो है ये बहुत बोरिंग है पढ़ना ऐसा वैसा, क्योंकि आप खेल के माध्यम से ही ये सब कर लेंगे। और जो है फोन का जो है ऐसा होता है, एक होता है पॉजिटिव यूज और एक है नेगेटिव यूज। नेगेटिव यूज है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल और उसमें बिना मतलब की चीज देखना ऑल टाइम। लेकिन अगर पूरे दिन में से आप 1 घंटा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव देखते हो ना मोबाइल पर, तो उसके बाद आपके अंदर बहुत नॉलेज आती है, आप में ज्ञान आता है ना, क्योंकि आप जो लाइफ में करते हो। अब आजकल के बच्चों को कहाँ याद रहे वो लट्टू वगैरह, वो चेस की ट्रिक्स वगैरह कहाँ याद रही है बच्चों को, है ना, तो वो तो मोबाइल पर ही ये सब कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो है प्लीज, वो जो आप पूरे दिन देखते हैं उसमें से आधा घंटा वो गेम अच्छी गेम उसके लिए डाले जो इन्फॉर्मेटिव हो, सीख देने वाली हो, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका खेल भी हो। अच्छा, गुड। अच्छा अरुणोदय, मेरे पास तो सवालों की जो मेरी फेरिस्त है वो तो अब समाप्त हो गई है,
आप जी तो बहुत स्मार्टली आपने सारे रिप्लाई दिए, पर अब मेरे लिए आपके लिए बहुत सारे और क्वेश्चन बनाने थोड़ा मुश्किल हो गए हैं ना। तो जी जी आप मेरे को एक चीज बता दो भाई, क्लास है ना जी बात कैंड, आपको पता, अब आप मेरे को ये भी सुजेस्ट करो कि आपकी जो न्यूज की हेडिंग होनी चाहिए या पंच लाइन है वो क्या होना चाहिए। मेरे न्यूज की हेडिंग और पंच लाइन देखो ये है कि जो न्यूज है ना, ये जी दिस इज ए टेक्स्ट स्टोरी, मतलब जैसे न्यूज़पेपर में जी छपती है इस तरह से पब्लिश होगी। तो अब आप मेरे को अपनी हेडिंग भी सुजेस्ट करो कि आपको ऐसे जो बातचीत मैंने की है उसमें मेरे को हेडिंग क्या बनानी चाहिए या टैगलाइन क्या बनानी चाहिए। मेरे को तो दो तीन चीजें समझ आ रही है मेरे को तो। आपको तो पता ही होगा मैं खुद की तारीफ पसंद नहीं करता, तो नहीं बस नहीं अब मैं ये आप तारीफ चीज नहीं, अब आप मेरे जूनियर रिपोर्टर भी हो, आप उस तरह से समझो कि अब आप भूल जाओ कि आप अरुणोदय हो। अब आप सोचो कि आप MBM न्यूज नेटवर्क के जूनियर रिपोर्टर हो और मुझको एक हेडिंग बनानी है, तो क्या बनानी चाहिए। अरुणोदय और शैलेंद्र जी का वार्तालाप।